पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में जारी प्रोजेक्ट्स में बेजाब्तियों का इंकशाफ हो गया। प्रोजेक्ट पोस्टों पर बेजा भर्तियां और गैर जरूरी अखराजात, पंजाब हुकूमत ने गैर जरूरी अखराजात पर पाबंदी आयद कर दी, नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई महकमों को मरासला जारी। लाहौर का व्हाइट हाउस गैर कानूनी करार, लीगी बरादरान के खोकर पैलेस में ला कानूनियत, अहम हकाइक मंजरेआम पर आ गए। टीएम इकबाल टाउन से गैर कानूनी मंजूर शुदा नक्शा लाहौर न्यूज पर। एलपीजी की कीमतें कम करो, अवामी रिक्शा यूनियन की इंतजामिया को आज रात 8 बजे के डेडलाइन, मुतालबा तस्लीम ना होने पर डेप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रिक्शे जलाने की धमकी दे दी। अवामी रिक्शा यूनियन का चुमटे तवे देचकियां सिलेंडर उठाकर नैब ऑफिस के सामने एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब से महंगी एलपीजी का नोटिस लेने का मुतालबा, कंपनियों ने कीमतों में मनमाना इजाफा करके गरीबों को लूट लिया। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी। ड्राइवर्स ने रिक्शे खड़े करके मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। शहर के दाखिली पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक खत्म, स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करवा दिया गया। स्मार्ट कार्ड का कल से इजरा आज इफ्तिताह, स्मार्ट कार्ड के इजरा से जालसाजी का खात्मा होगा। बड़ा मंसूबा है, मामला चलाने हैं, तसल्ली रखें, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। हुकूमती इदारों को मजबूत करेंगे, वज़ीर आला पंजाब की स्मार्ट कार्ड के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शहर के 90 मकामात पर ई चलान का सिलसिला जारी है, हादसात के हवाले से कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की कुर्बान लाइन में ट्रैफिक एक्सीडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खताब। नाकिस कारकर्दगी, तुलबा की गैर हाजिरी और बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी, 64 स्कूल सरबराहान को शोकॉज नोटिस जारी। रायवन के 7, मॉडल टाउन के 16, शालीमार टाउन के 14 और सिटी के 22 स्कूल शामिल हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूबाई वजीर महमूद रशीद से मुलाकात, सेहत आमा के मंसूबों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मियां महमूद रशीद की वजीर सेहत को हेल्थ मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तआवुन की यकीन दहानी। हाई कोर्ट के तराफ में तजावुजात के मुकम्मल खात्मे का हुक्म, अजहर सदीक एडवोकेट की दरखास्त पर तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत, मजंग टर्नर रोड और एजी ऑफिस के सामने से तजावुजात खत्म किए जाएं, जस्टिस अली अकबर कुरैशी। मनावा में ससुरालियों की जानिब से आग लगाकर बहू को कत्ल करने का मामला, पुलिस ने लड़के के शोहर को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। असल हकाइक जल्द मंजरेआम पर लाएंगे, पुलिस हुकाम का दावा। पुरानी अनारकली में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े, वारदात की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। मौसम सरमा की छुट्टियों के आमद से कबल ही ट्रेनों की बुकिंग बंद, लाहौर से कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों की टिकटें सोल्ड आउट हो गईं। कराची एक्सप्रेस, कराक्रम, बिजनेस एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, शाह हुसैन एक्सप्रेस, तेजगाम की टिकटें फरोख्त, ट्रेनों के साथ इजाफी बोगियां लगाई गई, रेलवे इंतजामिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का सवालों कन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, 1300 तताई तुलबा में डिग्रियां तकसीम, पोजीशन होल्डर तुलबा को मेडल से नवाजा गया। फन अदाकारी का एक और बाब इख्तिताम पसीर हो गया, फिल्म रेडियो टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार अली एजाज इंतकाल कर गए। अली एजाज की नमाज जनाजा बाद नमाज असर मुस्लिम टाउन ग्राउंड में अदा की जाएगी। मरहूम के घर तासीयत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। अदाकारा मीरा की भी आमद, अली एजाज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर का अहम इजलास, पाक भारत क्रिकेट सीरीज और डोमेस्टिक क्रिकेट से मुतालिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर गौर, पीएसएल बजट और ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई।